असलकुम वरम वक्त इसदरवी क्या है उमूर और तस्व तसरफरवी का क्या तय है इसरारद्रवी लदुन्नी है यानी अल्लाह तबारक व तला जल्ला रिजालब को जिन उमूर पर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सद के खबर अता करता है अलिया कराम को रिजालब को हबीब पाकाम के सद के तसरफ अता करता है इल्मे लदुनिया में असरार लदुनिया में या करामात तो तसरफात में तो सूफिया चीजों को असरारदरबी कहते हैं अब उमूर तसुफ में हजरत का क्या अमल दखल है उमूर तसरफ में हजरत खजर अल्लाम और तमाम रिजालैब का अमल दखल ये है कि वो तकवीनी उमूर पर बनी नब जलील की तरफ से हबीब पाक अल्लात के सद के मुतन हजरत खिजर खजर सलातम गैब में से एक है कुरान अजीम की सहायता मुबारक पर गौर फरमाएं कि फिर हमारी हमने हजरत मूसा आलातम को उस हस्ती से मुलाकात दी जो अब मिन ऐबाद ना है अब मिन ऐबाद ना हमारे इबाद में से एक अब इसका मतलब है कि ये अबाद ये अवताद और ये गैब बहुत से हैं तसवुफ़ की किताबें जिस तरह अबदाल का जिक्र चालीस इकतालीस की सूरत में करती हैं उर्स का जिक्र चार की सूरत में करती हैं नौजबा न कबा का जिक्र तीन सौ तेरह की सूरत में करती है रिजालब के तादाद के हवाले से तो इख्तलाफ है लेकिन बाहर सूरत ये तकवीनी उमूर पर मामूर होते हैं और ये चीज मशरबी और जौकी तौर पर जस्टिफाइड है अगर हम बाकायदा दलाइल की तरफ आ जाएं, इस्तम की तरफ आ जाएं, तो ये बात तो हमें मैसर है ना माशाल्लाह कि मलाक़ा आलम को अल्लाह ने तकवीनी तसरफा तता फ़रमाए हैं हज़रत हज़रतम क़ा अल्लाह के इज़न से बारिश बरसाते रिस्क पहुँचाते हैं सैद्ला सलातम बादलों पर और गरज चमक पर मुन हैं सैद्ला मलिक्लमोतम तकबीज़ अरवाह पर मुन व मुतन है ये सारे तकवीनी इख्तियारें इनमें से कोई भी तशरी इख्तियार नहीं है तशरी इख्तियार तो इस तरह है उसमें भी तकवीनी भी है तशरी भी है इन आलन कातिबीन हमने तुम पर मुहाफिज़ मुकर्र किए जो तुम्हारे अमाल भी लिखते हैं उनकी एक ड्यूटी तकवीनी है कि वो खफी तौर पर अपने मामूर की हिफाजत करते हैं और शरा तौर पर तश्री तौर पर उसके अमाल लिखते हैं तो इस तरह रिजालुल गैब को बनी आदम में से ये वो ये दरअसल मेरे आका व मौला सलातम के वसी सल्तनत का एक हिस्सा है मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर हम मकाम मोहम्मदी को समझ लें मकाम मुस्तफवी को समझ लें हकीकत मोहम्मदिया को समझ लें फिर बाकी रास्ते हमारे लिए कुछ आसान हो जाएंगे अब देखें मेरे आका वोल किसी को, कोई इतला नहीं है बजहिर तो यमन कि इस कस्बा से मदीना शरीफ में कोई बंदा नहीं आया कोई मकतूब नहीं आया जाहिरी कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ भी मौसूल नहीं हुआ मेरे आका मौला अलेसला तो सलाम फरमाते हैं ओवैस का जिक्र करते हैं एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा नहीं बार बार के हतबा पूछते हैं रदी अल्लाह तुम पर आता क्यों नहीं मेरे आका को इतना भी मालूम है अल्लाम और फरमाते मेरी शरीयत ने उनको रोक रखा है माँ की खिदमत ने फिर एक दिन हज़रत उमुल मोमिनी नेायशीका रदी अल्लाह तरमाए मैं खैबर जा रहा हूँ इस सूरत का इस आयत का एक शख्स आएगा रोक लेना हालत यह है कि उनके एक हाथ में बर्स का दाग है शबाहत ऐसी बताई कि हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह उमोमिन को पहचानने में कोई जरा बराबर भी जहमत नहीं उठानी पड़ी तो मैं गुजारिश यह कर रहा हूं कि असरारद ख़दरविया दरअसल असरार लदूनियाँ हैं और अमूर में जो तसरफ हासिल होता है रिजालुल गैब को इल्मी लदुनी रखने वालों को ये दरअसल मेरे आको मौला सलातम का जो फैज़ है उनमें से एक परतवे फैज़ है और उमूर तसव तसरुफ में हज़रत खजराम और बाकियों का अमल दखल जो है वो तकवीनी है खजर सला तोलाम हयात हैं हमारे करीब के ज़माने में हज़रत पीर महरली शाह रहा की उनसे मुलाकात हुई बाकियों की भी हुई होगी लेकिन बहुत से ओलियाकर लदुन्नी उमूर को तकवीनी उमूर गैराज में रखते हैं उम्मीद है कि आई आप इस बात को पा गए होंगे अच्छा दो चीजें भी और समझनी है इरशाद और मदार क़राम कर जो कुतब इरशाद होता है वो शराई उमूर को इबलाई उमूर को तश्री उमूर को देखता है जो कुतबल मदार होता है वो तकवीनी उमूर को देखता है मैं आपको बहुत जदीद आलिम हकीम हजरत इकबाल रम्ला की किताब رموز से एक वाक्य बताता हूँ अलाउद्दीन खिलजी एक हुक्मरान था उनके दौर में हजरत अबू अली कलंदर अदा मल्लाहु शरफहू का एक मुरीद बाजार गया तो गवर्नर साहब की सवारी आ रही थी आगे आगे चौबदार थे नकीब थे वो हटो बच्चों के नारे लगा रहे थे लेकिन हजरत अली कलंदर का जो मुरीद था वो हाल मस्त था वो नहीं हटा बाकी लोग तो हट गए खौफ की वजह से तो वो चौबदार ने उनके सर पे डंडा मारा उनका सर जख्मी हुआ वो सीधे हजरत वाला तबार के पास आए रवायात में आता है कि हजरत सैयद बू अली कलंदर अजीज बहुत हसीन और जमील शख्सियत के हामिलते बहुत हसीन रवियों के हामिल कमाल हुआ जब ये मुरीद आया तो हजरत के जलाल का कोई ठिकाना नहीं था इलाम इकबाल की बड़ी खूबसूरत नजम है वो हती के आपने फरमाया कि खामा नवीस बोलाओ फरमान नवीस अज सुए सुल्तान नवीस आपने फरमाया फरमान लिखो और फकीर से सुल्तान की तरफ लिखो बाजुक आमिले बदगोहरे, वरना तो इस बदगोहर आमिल को गिरफ्तार कर लो मेरे पास ले आओ वगरना तेरी बादशाही किसी और को देता हूं तसरुफ का यह आलम है कि अल्लाह के इजन से इस पर कादिर है कि इलाउद्दीन खिलजी के सल्तनत किसी और को दे दें जिस वक्त ये खत खिलजी की ईवान सल्तनत में पहुंचा तो दीवारों में भी लर्ज आ गया अब देखें यह तश्री अमर नहीं है तशरी अमर में तो यह होता है कि अगला तबलीग करता है वो शहीद कर दिया जाता है उसको तकलीफ दी जाती है उस पर पत्थर बरसाए बरसाए जा सकते हैं ये तकवीनी अमर था लिहाजा लोगों के हाथ पांव फूल गए न किसी को तलवार याद रही न तीर याद रहा न सल्तनत की फौज याद रही कुछ भी याद ना रहा बादशाह भी कांपने लगा और जिस तख्त पर बादशाह बैठा हुआ था वो तख्त भी कांपने लगा अब उसने कहा कि उस वजीर को गिरफ्त उस गवर्नर को गिरफ्तार करो बेर फूटेड दोनों हजरत के पास चले गए और कहा कि हुजूर आप हमें माफ कर दें हजरत ने माफ तो कर दिया कि ये सारे हुसैनी होते हैं ये सारे हुसैनी होते हैं और ये गिरफ्त नहीं करते मेरे आका ने भी गिरफ्त नहीं फरमाई ला तसरीब अल कुमल्योम इमाम जैन दीन आसाम ने भी गिरफ्त नहीं फरमाई खाना खिलाया और कपड़े देकर निायत अच्छे अंदाज से रुख्सत कर दिया हजरत कुबरा अकीले बनी हाशिम ने फरमाया उसको तू तो घोड़ों की जंजीरी भी खामोश हो गई लेकिन आपने गिरफ्त नहीं फरमाई शान कलंदरी आफ है वैसे गिरफ्त की ताकत उनके पास है तो फिर वहां पर एलाम इकबाल रमत ने आखिर में एक शेर लिखा है किबू अली कलंदर ने कहा चौब बरसरे दुर्वे शाम आतिशे सो झाम जन फकीरों के सर पर चौब न मारा करो अपने आप को जलती हुई आग में न डाला करो तो मुख्तसर ये कि ये जो अखबार हैं लदुनिया हैं साबान तकवीन हैं साहेबान असरार हैं साबानदार हैं रिजालुल गैब हैं इनका तसरफ जो है अमल इनका शरीत मतहरा पर होता है और अल्लाह और अल्लाह के हबीब से इनका तसरफ अमूरी तकवीनिया में होता है जजाकमल्ला